हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं जानकी माहेश्वरी। आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष में गांधी जन्मोत्सव, गांधी के बर्थडे के उपलक्ष में जहां अंतिम समय गांधी जी रहे थे उस आश्रम का भ्रमण कराने की ओर लेके जा रही हूं। जैसे हम लोग सबको पता है 1930 में साबरमती आश्रम से अहमदाबाद तक नमक सत्याग्रह के कारण गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी और उन्होंने डिसाइड किया कि देश के आज़ादी नहीं होती तब तक वो साबरमती आश्रम में वापस नहीं लौटेंगे। इसलिए उन्होंने बहुत सी जगह यात्रा की और करते वो वर्धा पहुंचे, वर्धा महाराष्ट्र में, और वहाँ एक सेव गांव में उन्होंने रहने का निश्चय किया, जहाँ का उन्होंने नाम बदल के सेवाग्राम रखा। तो आज हम लोग सेवाग्राम में गांधी जी के आश्रम का भ्रमण करते हैं। ये पहली कुटिया दिख रही है जो शुरुआत में गांधी जी यहाँ रहते थे, जिसे महिला पुरुष सब साथ में रहा करते थे। और ये जो कुटिया बनी है मात्र 100 रुपये में बनी है, क्योंकि उस समय उन्हें कहा था कि सब आपके पास 100 रुपये दिए जाएंगे और उसके अंदर आपको ये कुटिया बनानी है। जब उनके साथ रहने वालों की संख्या बढ़ गई तब अलग अलग कुटिया बनी, और ये बा कुटी है जिसमें कस्तूरबा गांधी, उनकी अंग्रेज शिष्या मैडलिन स्लेट जो बाद में मीरा बहन के नाम से विख्यात हुई, अन्य तथा कई महिला साथी इसमें रहने लगी। और ये जो कुटिया दिख रही है ये है गांधी जी की। महात्मा गांधी जी ने कसम खाई थी जब तक भारत के हर घर में लाइट नहीं आती तब तक मेरी भी कुटिया में लाइट नहीं होगी, इसलिए आज तक यहाँ पर लाइट नहीं है। जब महात्मा गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया तब ये थोड़ी ऊंचाई में कुटिया बनाई गई जिससे उनको उतरने चढ़ने में या रहने में दिक्कत ना हो। इसके लिए ये बापू के द्वारा 1936 में लगाया गया पेड़ है जो आज भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ये उस आज़ादी के व देश के कार्य को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चा इस आश्रम में हुई थी। तो उस समय जो ऑफिस थी ये उनकी ऑफिस रहती थी, ये बापू जी के ध्यान करने की जगह है। आगा खां पैलेस में जब नज़रबंदी के दौरान बापू के आत्म साथी कस्तूरबा गांधी और सचिन महादेव भाई देसाई शहीद हो गए थे तब कस्तूरबा ने वहाँ तुलसी का पौधा लगाया था। बापू जब रिहा हुए तब उस पौधे और मिट्टी को साथ आश्रम में ले आए थे तथा पवित्र दिन देखकर ये पौधा यहाँ लगाया था जो आज भी लगा हुआ है। ये प्रार्थना स्थल है जहाँ आज भी प्रातः व संध्या के समय सर्वधर्म प्रार्थना होती है। इस जगह पे आपको घूम के रियली इतना पीसफुल फील होगा, एक आश्रम में इतनी शांति फील होगी। और आज भी वैसा ही स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है जैसा गांधी जी के किया हुआ रहता था। वर्धा में एक और जगह जो बहुत ही अच्छी लगी वो है एक चरखा ग्रह के नाम से ये जगह बनी है, जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा चरखा है और वहाँ पर वेस्ट मटेरियल जो इंजन या जो भी पार्ट्स वगैरह हैं उन लोहे के पार्ट्स वगैरह को यूज करके विनोबा भावे और महात्मा गांधी की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेवाग्राम में बापू कुटिया, सेवाग्राम के उनका एक दर्शन छोटा सी। आपको कैसा लगा? और आपको समय मिलता है तो इस जगह आप ज़रूर घूमने आइएगा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर जगह है।